हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलेक्शन डेस्क, ए पाथ ऑफ सक्सेस। मैं मोहित कुमार शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन डेस्क में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, हम रेलवे एएलपी साइको क्लासेज जो हो रही थी हमारी, उसमें अपन कर रहे थे फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट। तो फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट में फ्रेंड दो तरह के सेट होते हैं आपके। पहला होता है आपका टेबल टेस्ट, उसको रॉ कॉलम टेस्ट कहते हैं। पिछली दो वीडियो में हम उसको पूरी तरह से कवर कर चुके हैं और आई होप आपको वो वीडियो अच्छी तरह से समझ में आई होगी फ्रेंड्स। अब उसका जो नेक्स्ट टाइप है फ्रेंड्स, वो है आपका बैच टेस्ट, जिसको अपन क्लॉक टेस्ट भी कहते हैं फ्रेंड्स। इसमें भी सेम ही पैटर्न रहता है फ्रेंड्स। ये इसमें भी दो दस दस क्वेश्चन के आपके दो सेट होंगे फ्रेंड्स, टोटल क्वेश्चन होंगे फ्रेंड्स आपके 20। और इनको करने के लिए टोटल टाइम आपको 5 मिनट इसके लिए और 5 मिनट इसके लिए फ्रेंड्स, टोटल आपको टाइम मिलेगा फ्रेंड्स आपको 10 मिनट का, ठीक है फ्रेंड्स। बात टेस्ट की अगर बात की जाए फ्रेंड्स, ये थोड़ा इजी पड़ता है रॉ और कॉलम टेस्ट की बजाय। तो फ्रेंड्स, इसमें भी कुछ आपके बेसिक रूल्स होते हैं फ्रेंड्स, उनको अपन वन बाय वन समझ लेते हैं फ्रेंड्स। इसमें मैं फ्रेंड्स जो मेन जो आपका एक बेसिक रूल्स होता है ना फ्रेंड्स, वो होता है इसमें फ्रेंड्स, एक तो बायां और दायां का। एक्चुअल में होता क्या है, हम रीजनिंग में पढ़ते हैं फ्रेंड्स, रीजनिंग में पढ़ते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि कोई व्यक्ति उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा है, अब वो दाएं मुड़ेगा तो फ्रेंड्स अपन उसको नॉर्मली इधर डिनोट कर देंगे, अगर वो बाएं अगर मुड़ेगा तो अपन उसको इधर डिनोट कर देंगे फ्रेंड्स। लेकिन फ्रेंड्स, इस बैच टेस्ट में दाया और बाया का जो कंसेप्ट है फ्रेंड्स, वो अलग है, वो अपन समझेंगे इसमें क्या होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपसे कहा जाए दाया, तो दाया का मतलब होता है फ्रेंड्स बैच टेस्ट के अंदर दक्षिणावर्त, मतलब क्लॉकवाइज। और आप सभी को पता है क्लॉक की जो डायरेक्शन होती है फ्रेंड्स, माना कि एक क्लॉक है, तो क्लॉक आपको पता है कैसे, जो उसकी सुई होती है क्लॉक की, घड़ी की, वो कैसे मूव करती है फ्रेंड्स, इस तरीके से। तो इसकी जो डायरेक्शन होती है फ्रेंड्स, वो इस तरह से होती है। और अगर आपसे बायां कहा जाए फ्रेंड्स, तो बायां का मतलब होता है फ्रेंड्स आपका वामावर्त, इसको अपन कहते हैं फ्रेंड्स एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है फ्रेंड्स, वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, घड़ी की घूमने के विपरीत दिशा में। तो घड़ी आपको पता है ऐसे मूव कर, घड़ी की जो सुई है वो ऐसे आपकी मूव करती है फ्रेंड्स, अब तो इसकी विपरीत दिशा क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, ऐसे। तो इसकी जो डायरेक्शन है फ्रेंड्स, वो ऐसे। अगर सिंपल शब्दों में आपको कहा जाए, दाया अगर आपसे कहा जाए तो आपको दक्षिणावर्त घड़ी की डायरेक्शन में चलना है फ्रेंड्स, ऐसे। अगर आपसे वामावर्त और बायां, ये वर्ड नहीं आएगा फ्रेंड्स वहां पे आपको सिंपल दाया और बायां कहा जाएगा। अगर बायां आ जाए तो फ्रेंड्स आपको घड़ी की विपरीत दिशा में आपको चलना है फ्रेंड्स। इसको अपन दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं फ्रेंड्स, कभी भी आपसे दाया और बायां के लिए कहा जाए फ्रेंड्स, तो आप अपने आप को एज्यूम करके मानिए कि आप यहां पे हो, कहीं पर किसी भी पोजीशन पे खड़े हो और बाहर की तरफ मुंह करके खड़े हो फ्रेंड्स आप, हाँ पे बाहर की तरफ मुंह करके। अगर आपसे दाया बोला जाए तो आपको जो आपका दाया है, आप जैसे फ्रेंड्स यहां पे खड़े हो, तो यहां पे आपसे बोला जाए आपको दाया चलना है, तो दाया चलने के लिए आपका फ्रेंड्स ये वाला दाया होगा, तो आपको इधर की साइड में चलना है। और अगर आपसे बाया कहा जाए तो फ्रेंड्स आपको इधर की साइड में चलना है। सिंपल, आप या तो डायरेक्ट ऐसे भी याद कर सकते हो, या फिर फ्रेंड्स अपने आपको किसी भी पोजीशन पर आपको कहा जाए वहां पे आप अपने आपको एज्यूम कर लीजिए कि आप वहां पे बाहर की तरफ मुंह करके खड़े हो, तो दाया बोला जाए तो आपको दाई डायरेक्शन में चलना है, और बाया बोला जाए तो फ्रेंड्स आपकी बाई डायरेक्शन में चलना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसमें थोड़ा सा एक बेसिक कॉन्सेप्ट है और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे जैसे आप फ्रेंड्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा, इसमें फ्रेंड्स इस तरीके से आपको एक बैच और टेबल, सॉरी बैच और एक क्लॉक जो आपको दिख रही है, इस तरीके से वहां पे ड्रॉ होगी,
अब आपको पता है ये एक कंपास है, इसमें आपको डायरेक्शन दिखाई गई है, ये उत्तर होता है, ये पूरब, ये दक्षिण और ये पश्चिम। आप सभी फ्रेंड्स के बारे में जानते हो, ये चार जो आपकी डायरेक्शन होती है तो मेन डायरेक्शन होती है और एक चार आपकी सब डायरेक्शन और होती है। जैसे कि मैं आपसे कहूं उत्तर और पूरब के बीच की जो ये दिशा है इसको आप क्या कहेंगे फ्रेंड्स, उत्तर पूरब। दक्षिण और पूरब के जो बीच की दिशा है इसको आप क्या कहेंगे फ्रेंड्स, दक्षिण पूरब। ये होगी आपकी दक्षिण पश्चिम और ये हो जाएगी आपकी फ्रेंड्स उत्तर और पश्चिम। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारी आठ इसमें डायरेक्शन हो गई। ठीक है, अब फ्रेंड्स इसमें हम अब कुछ क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स, उसके माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा इसमें किस टाइप के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक आपका एक बेसिक सा क्वेश्चन लिया है आपका फ्रेंड्स, इसमें आपको सिंपल सी एक क्लॉक आपको ड्रॉ है, इसमें मैंने फ्रेंड्स 10 क्वेश्चन लिखे हैं। इसी तरह का क्वेश्चन आपका वहां पे एग्जाम में पूछा जाएगा, उसमें आपके एक सेट में 10 क्वेश्चन होंगे फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम ये चार दिशा हो गई, चार आपकी सब सब डायरेक्शन होती है, उनके बारे में मैंने आपको बता दिया। इसमें ये फ्रेंड्स एक चीज नोटिस करिए आप, ये जो D3 लिखा हुआ ना फ्रेंड्स, डी और थ्री, डी के साथ में जो थ्री, इसको टोटल अगर अपन कंबाइन करके बोल रहे हैं फ्रेंड्स तो ये कहलाता है एलिमेंट अवयव। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें डी आपका अक्षर है और सी और ये थ्री आपका क्या है, अंक। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। पहला आपका क्वेश्चन है फ्रेंड्स, N1 को P4 से बदलने पर पूरब में कौन सा अक्षर होगा। N1 है फ्रेंड्स, N1 आपका ये रहा, को P4 से बदलने पर आपको N1 को किससे बदलना फ्रेंड्स, P4 से, तो पूरब में कौन सा अक्षर होगा फ्रेंड्स। N1 यहां पर चला जाएगा, P4 आपका फ्रेंड्स यहां पर चला जाएगा। जब N1 यहां पर चला जाएगा तो फ्रेंड्स पूरब में फिर कौन सा अक्षर होगा आपका, 1। तो पहले वाले का सिंपल सा आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1। अगर वहां पर आपके ऑप्शन में 1 2 3 4 5 इस तरीके से अगर दे रखा हो तब तो आपको सिंपल ये इस पे क्लिक करना है। अगर आपको ABCD वहां पर दे रखा हो तो फ्रेंड्स वहां पर 1 का मतलब होता है A, आपको A के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा फ्रेंड्स वहां पर। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसमें मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। एक दूसरी फ्रेंड्स बात, अगर आपसे डायरेक्ट कहा जाए उत्तर के सामने कौन सा अंक है, तो उत्तर दिशा के सामने कौन सा अंक है फ्रेंड्स, 2। उत्तर दिशा के विपरीत कौन सा अंक है, ये आपकी उत्तर दिशा, इसके विपरीत कौन सा अंक होगा फ्रेंड्स आपका, 3। ये भी आप याद रखिएगा। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। K2 को D3 से बदलने पर, K2 का फ्रेंड्स आपका ये रहा, K2 को किससे बदलना, D3 से, तो K2 यहां पे जाएगा फ्रेंड्स, D3 यहां पे आएगा, से बदलने पर उत्तर पूर्व में कौन सा अक्षर होगा। तो उत्तर पूर्व आपका क्या है फ्रेंड्स, ये आपकी पूर्व दिशा, ये आपकी उत्तर, इन दोनों के बीच में हो गया फ्रेंड्स आपका उत्तर पूर्व। तो उत्तर पूर्व में कौन सा अक्षर होगा फ्रेंड्स, जब ये यहां पे चला जाएगा तो 2, तो आपका राइट आंसर होगा वहां पर 2, या तो 2 होगा या बी। अगर वहां पे आपके ABCD अगर ऑप्शन में है तो आपको बी पे क्लिक करना है फ्रेंड्स। तीसरा है फ्रेंड्स आपका N1 P4 A2, N1 P4 और A2 को मिलाकर एक त्रिभुज बनाए। तो फ्रेंड्स N1 P4 और N2 को मिला अगर अपन मिलाएंगे तो ये आपका एक सिंपल सा त्रिभुज ड्रॉ हो गया, ट्रायंगल। और बताएं कि इस त्रिभुज के शीर्ष में कौन सा अक्षर है, तो ये आपका जो ट्रायंगल है इसका शीर्ष क्या है फ्रेंड्स, ये रहा, ये आपका शीर्ष होगा फ्रेंड्स, तो शीर्ष में कौन सा अक्षर है फ्रेंड्स, 2। तो इसका आपका शीर्ष सिंपल सा आंसर हो जाएगा 2। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4। A2 से दाया चलने पर, अब फ्रेंड थोड़ा सा समझना है इसमें, लैंग्वेज को ध्यान रखना थोड़ा सा। चौथा, A2 से दाया चलने पर, A2 में फ्रेंड्स आपका, A2 आपका ये रहा फ्रेंड्स, फ्रेंड्स इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं। ये भी आपको फ्रेंड्स समझ में आ गया होगा, दक्षिण पूरा पश्चिम कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इसको मैं मिटा ही देता हूं फ्रेंड्स। A2 से दाया चलने पर फ्रेंड्स, A2 कहां फ्रेंड्स आपका,
A2 से दाया चलने पर, A2 फ्रेंड्स ये रहा आपका, A2 से दाया आप चलेंगे तो दाया का मतलब हो गया आपका दक्षिणावर्त, मतलब क्लॉक वाइज डायरेक्शन, घड़ी की दिशा में चलना है आपको फ्रेंड्स। तो घड़ी की दिशा आपकी इधर है, ऐसे चलेंगे आप यहां से, A2 से दाया चलने पर दक्षिण पूर्व में कौन सा अंक, और आपको घातक चलना है फ्रेंड दक्षिण पूर्व, तो दक्षिण आपकी ये पूर्व ये, तो इसके बीच में क्या हो जाएगा दक्षिण पूर्व, तो दक्षिण पूर्व में कौन सा अंक है फ्रेंड्स आपका, सिंपल सा 2, इसका चौथे का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका 2, ठीक है फ्रेंड्स। पांचवा का क्वेश्चन है P4 से बाया चलने पर, P4 का है फ्रेंड्स, P4 आपका ये रहा, ये P4 है फ्रेंड्स आपका, P4 से बाया चलने पर, P4 से बाया का, अब बाया बोला है तो फ्रेंड्स किधर चलेंगे अपन, घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा होगी फ्रेंड्स ऐसे, P4 से बाया चलने पर उत्तर पश्चिम में कौन सा अंक है, P4 से आप बाया चलेंगे और आपको पहुंचना है उत्तर पश्चिम, ये आपका उत्तर ये पश्चिम, इस इन दोनों के बीच में होता है फ्रेंड्स उत्तर पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम में कौन सा अंक है फ्रेंड्स आपका 5, 5, तो पांचवे का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 5, 5, नहीं तो अगर वहां पे ABCD में होगा तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा आपका E, ठीक है फ्रेंड्स ये याद रखना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है फ्रेंड्स, A2 से दाया चलने पर, A2 ए रहा आपका फ्रेंड्स, यहां से आपको दाया चलना है फ्रेंड्स घड़ी की दिशा में दक्षिणावर्त, A2 से दाया चलने पर M3 कहां पे पहुंच रहे फ्रेंड्स आपके M3 तक, अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना, M3 पे आप पहुंच गए फ्रेंड्स, अब क्या बोल रहे हैं M3 के बाएं दूसरा अंक, तो फ्रेंड्स M3 के बाएं बाएं, अब बाएं बोला तो आपको फिर दोबारा इसी डायरेक्शन चलना फ्रेंड्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, M3 के बाएं दूसरा अंक, तो M3 के बाएं 1 और 2 P4, तो राइट आंसर होगा आपका फ्रेंड्स छठवे का 4, ठीक है फ्रेंड्स। सातवां अपना क्वेश्चन है फ्रेंड्स, M3 से बाएं चलने पर, M3 आपका ये रहा फ्रेंड्स, M3 से बाएं चलना आपको, M3 से बाएं चलने का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, अपन चलेंगे इस डायरेक्शन में, घड़ी के उल्टी डायरेक्शन में चलेंगे फ्रेंड्स, M3 से बाएं चलने पर D3 तक पहुंचना आपको, D3 आपका ये रहा, D3 के दाएं दूसरा अंक, अब D3 में पहुंच के पहले आपको M3 से D3 तक जाना है, फिर क्या बोल रहा है D3 के दाएं का मतलब हो गया आपको फ्रेंड्स दोबारा इसी डायरेक्शन में चलना है यहां से, तो दाएं दूसरा अंक क्या होगा फ्रेंड्स 1 और 2, 2, सातवें का आपका राइट आंसर होगा 2, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है फ्रेंड्स आठवां, N1 को P4 से ठीक है, तथा A2 को M3 से बदलने पर, ठीक है फिर इनको इंटरचेंज करना आपने, N1 को यहां पे ले जाना है, P4 को यहां पे, A2 यहां पे आ जाएगा और M3 यहां पर चला जाएगा, और फ्रेंड्स क्या पूछ रहा है उत्तर पश्चिम में कौन सा अंक होगा, तो उत्तर पश्चिम कौन सा होगा फ्रेंड्स, यहाँ की उत्तर यहाँ की पश्चिम, तो इसमें पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना फ्रेंड्स ये आपके टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, तो इसमें आपको पूछा क्या क्या है उत्तर और पश्चिम, जबकि इसको आप चेंज ही नहीं कर रहे, तो आपको वैसे ही आपको बोला गया है N1 को P4 से चेंज करना है, A2 को M3 से करना है, लेकिन पूछा आपसे ये रहा है, तो ऐसे क्वेश्चनों को थोड़ा आप जल्दी कीजिएगा, तो आप इसका राइट आंसर सिंपल से हो जाएगा 5, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर 5। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है फ्रेंड्स 9th, नवा, M3 से A2 तक घड़ी के विपरीत दिशा में चलने पर, M3 का फ्रेंड्स ये रहा, M3 से A2 ये रहा फ्रेंड्स, क्या बोल रहा है घड़ी के विपरीत दिशा में, तो घड़ी के विपरीत दिशा में चलना आपको फ्रेंड्स, घड़ी के विपरीत दिशा में बोले तो फ्रेंड्स आपको ऐसे चलना है इस तरीके से, और खाता पहुंच रहा है A2 तक, फिर क्या कर रहा है चलने पर मध्यम अंक कौन सा होगा, तो मध्यम अंक का मतलब है फ्रेंड्स 1, 2, 3, तो मध्यम अंक आपका ये होगा P4, तो इसका आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 4, विपरीत दिशा में बोला फ्रेंड्स आपको, इसलिए इधर जाना, कई सारे फ्रेंड्स ऐसे सोच रहे इधर होके भी तो जा सकते हैं, अगर आप ये वाला पाथ फॉलो करेंगे ना तो ये आपकी घड़ी की दिशा हो जाएगी फ्रेंड्स, ये आपकी विपरीत दिशा नहीं होगी, तो इस लैंग्वेज को आप सेडन से समझना एग्जाम वहां पर भी। और लास्ट आपका क्वेश्चन है फ्रेंड्स M3 के बाएं, M3 है ना आपका फ्रेंड्स, M3 के बाएं उनसे चलना है तो किधर चलेंगे फ्रेंड्स, M3 के बाएं मतलब वामावर्त, घड़ी के विपरीत दिशा में चलना आपको फ्रेंड्स, M3 के बाएं पांचवे क्या होगा फ्रेंड्स, आपको ये पाथ फॉलो करना है जी 1, 2, 3, 4, 5 के पांचवे अंक के विपरीत, इसके विपरीत फ्रेंड्स क्या है G2, ठीक है, विपरीत के दाएं मतलब आपको ये वाला पाथ फॉलो करना फ्रेंड्स के दाएं दूसरा अंक 1, 2, तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 2, तो 10वें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका 2, सिंपल।
ठीक है फ्रेंड्स। इसी तरह के आपके क्वेश्चन फ्रेंड्स वहां पे एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे फ्रेंड्स। तो इसमें आपको अगर अच्छा होना है मतलब इनको, तो ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चनों की फ्रेंड्स आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए, तभी आपकी स्पीड आई, तभी आपको दाएं और बाएं का कंसेप्ट एक जब एक दो बार आप क्वेश्चन कर लेंगे तो फ्रेंड आपको सीधा समझ में आ जाएगा, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं फ्रेंड्स। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाएं फ्रेंड्स को, और हमारे जो चैनल है सिलेक्शन डैश उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। नेक्स्ट अपन क्लास में कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू, ओके बाय।